हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तुनिशा शर्मा के मामले में यानी कि तुनिशा शर्मा केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस शिजान और तुनिशा शर्मा के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस को अब तक की जांच में कई अहम बातों का पता चला। पुलिस के हाथ अब शिजान के 250 पन्नों की व्हाट्सएप चैट लगी है। पुलिस ने जून महीने से लेकर अब तक का काला चिट्ठा निकाल लिया है। पुलिस अब व्हाट्सएप चैट को अच्छे से एनालाइज करेगी और इस बारे में पता लगाएगी कि आखिर मौत के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। पुलिस को अब तक की जांच में एक और अहम बात पता चली। पुलिस को पता चला है कि तुनिशा शर्मा और शिजान खान के बीच में प्यार लद्दाख में हुआ था। उस समय ये दोनों वहां टीवी सीरियल दास्तान काबुल अलीबाबा दास्तान काबुल की शूटिंग कर रहे थे। वहीं नवंबर के महीने में दोनों का ब्रेकअप हो गया और 24 दिसंबर यानी कि जिस दिन तुनिशा ने अपनी जान दी उसके कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच बड़ा झगड़ा भी हुआ था। वह दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस अब शिजान खान से ये पता लगाना चाहती है कि आखिर उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का क्या राज है। आपको बता दें कि जांच में ये भी सामने आया है कि शिजान खान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ हुई चैट को डिलीट किया था। शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी टीवी सीरियल की एक्टर है और मुंबई में ही रहती है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि शिजान को अलीबाबा दास्तान काबुल सीरियल के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वह दोस्तों, पुलिस शिजान खान से अब इस बारे में पता लगा रही है कि आखिर उन्होंने एक ही लड़की के साथ चैट को डिलीट क्यों किया। आखिर उस चैट में ऐसा क्या था जिसे शिजान ने डिलीट कर दिया। पुलिस शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ करेगी। सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बयान से तस्वीर काफी साफ हो सकती है। वेल दोस्तों, कौन है वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड, इस बारे में भी आपको हम जल्द ही सारी डिटेल्स देंगे। लेकिन तब तक आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।